उन्नाव रेप पीड़ित के परिजन से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से निकल गई हैं। रेप पीड़ित ने शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया है। रात 11:40 बजे उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। प्रियंका दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह लखनऊ पहुंची थी। प्रियंका ने शनिवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि उन्नाव की पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार को तत्काल पीड़ित को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जिस अधिकारी ने उसकी FIR दर्ज करने से मना किया उस पर क्या कार्यवाही हुई? ऊपर में रोज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? प्रियंका ने शुक्रवार रात भी योगी सरकार पर उन्नाव कांड को लेकर हमला बोला था। प्रियंका ने कहा था कि सरकार को यह तय करना होगा कि वह महिलाओं के साथ है या अपराधियों के साथ। यह है मामला, लड़की को उसी के गांव के आरोपी शिवम ने शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। उसने दुष्कर्म के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और मानसिक तौर पर यातनाएं दी। परेशान होकर लड़की अपनी बुआ के घर राय बरेली चली गई। शिवम ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और हथियारों के दम पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद 5 मार्च 2018 को परिवार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म के दो आरोपियों शिवम और शुभम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों 3 दिसंबर को जमानत पर बाहर आए तो लड़की को जला दिया। पुलिस ने शिवम, उसके पिता रामकिशोर, शुभम, हरिशंकर और उमेश बाजपेयी को गिरफ्तार किया है।